क्या मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं, यदि आप यदि कहें तो मैं एक बार फिर महाराणा को पूछ लूं। और पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा को एक पत्र लिख दिया। मित्रों वो पत्र पढ़ना, उस पत्र की पंक्तियां मैं आपको बोल रहा हूं, आप पढ़िएगा सुनिएगा। और क्या बोले उन्होंने पत्र में क्या लिखा सुनिएगा। मैं आज सुनी है नाहरियो साया रे साथे तो वेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा तो वेलो। मैं आज सुनियो है नाहरियो, नाहर किसको बोलते हैं बोल देना एक बार, नहर किसको बोलते हैं, एक बार नहर किसको बोलते हैं। स्याली बोलते बकरी को, बोले कि मैंने सुना है कि आज शेर बकरियों के बाड़े में उनके साथ रहेगा। मैं आज सुनियो है नहरियो साया रे साथे सोवेलो, मैं आज सुनियो है, मैं आज सुनियो है सूरजड़ो बादल री ओटा। और मैं आज सुनियो है चातकड़ो धरती को पानी पीवे लो, मैं आज सुनियो है हाथीड़ो कुकररी जीणा कुकररी जूणा जीवे लो। मैंने सुना है कि हाथी अब कुत्ते सी जिंदगी व्यतीत करेगा, और मैंने ये भी सुना है। मैं आज सुनी है थका थका, मैं आज सुनी है थका थका अब रान होवे नींदूती, मैं आज सुनी है, मैं आज सुनी है जाना तलवार रवेली अब सूती। ओ मारो ही बड़ो कापे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई, ओ मारो ही बड़ो कापे है। पृथ्वीराज सिंह उसके लफ्ज ये भी हो सकते थे, ओ मारो ही बड़ो कापे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथड़ राणा ने लिख भेजो आ बात गिणा में, आ बात गिणा में किया सही। और जब महाराणा आपको वो पत्र वापस मिला, स्वाभिमान के सूर्य ने एक बार फिर आसमान में अंगड़ाई ली। मित्रों एक बार वो रजपूती तलवार में फिर से एक बार चमक आ गई, और महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान एक बार फिर से जाग उठा। उन्होंने फिर वापस पृथ्वीराज सिंह को एक पत्र लिख दिया, बोले कि तू चिंता मत करना। और क्या बोले, पीथल के खिमता बादल ने जो रोकी सूर्य उगाली ने, के खिमता कहीं खिमता कहीं क्षमता, यानी क्या क्षमता है उस बादल की जो सूर्य को रोक सकता है, ये क्या नहीं। पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाली ने, न्याना रे बदले, न्याना रे बदले देरारी छाती मेरे बेला सूती, के खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाली ने, सिंघारी हाथड़ ले, सिंघारी हाथड़ सहले वे बाकूक मिली बाकद साड़ी, धरती रो पानी पीवे किसी चातकरी चूंच बनी कोनी, कुकर री जूड़ा जीवे किसी
आ तेरी बात सुनी कोनी। आ हाथा में तलवार थका कुण रांड के वेला रजपूती। आ हाथा में तलवार थका कुण रांड के वेली रजपूती। न्यानारे बदले बेरारी छात्या में दे वेला सूती। आ अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए सभी लोग। मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधा में चम 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 केला, कड़खीरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। राखो थे मूछा ए छोड़ी, लोयारी नदी बहा दूला। राखो थे मूछा ए छोड़ी, लोयारी नदी बहा दूला। मैं अथकलडूला अकबर सु उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। जद राणा रो संदेश गयो पीथड़ी छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सोनी, अकबर री दुनिया सोनी, अकबर री दुनिया सोनी। ये आपकी आत्मा से ताली बजी है पूरे कार्यक्रम में। 7 घंटे हुए इस कार्यक्रम को, 6 घंटे हो गए और ये आपकी आत्मिक ताली बजी है। मित्रों, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। भामाशाह ने फिर शक्ति दी, पूंजा भील का सहयोग लेके महाराणा ने 57 वर्ष तक की उम्र में अपने जीवन में अकबर से लगातार लोहा लिया और ईस्वी सन 1597 19 जनवरी को वो मां भारती का वो वीर सपूत महाराणा प्रताप इसी हल्दी घाटी के मैदान में, इसी मेवाड़ के इस क्षेत्र में अपने शरीर को समा गया और उस वीर की गौरव गाथा आज हम यदि गाते हैं, आप लोग सुनते हो, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है पतेरा, मेरा वो भारत देश हाथ पकड़ो। जहाँ डाल डाल, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसलिए वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेतक रो असवार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेतक रो असवार अठे। दोनों हाथों को उठा के मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय।